जबलपुर पनागर थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में नशे में धुत ट्रक चालक ने आज सुबह कोहराम मचाते हुए दो गायों को कुचल दिया और फिर जाकर स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल तोड़ ईंट के ढेर से टकरा गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी पनागर अजय सिंह के मुताबिक बेलखाडू पुलिस चौकी अंतर्गत रामबाग इलाके में ट्रक चालक नशे में शराब होकर ट्रक चला रहा था। पहले दो गायों को कुचलकर स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री बाल को तोड़ ईंट के ढेर से टकरा गया। हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से ट्रक के नीचे दब चुकी गायों को बाहर निकाला गया। ट्रक खरीदने चालक की लापरवाही से दो गायों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, लिहाजा ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बाइक मयंक यादव, सब इंस्पेक्टर पनागर, न्यूज जतारा चैनल से गोविंद दास पाल की रिपोर्ट। सर, जानकारी मिली थी अवैध रूप से कोई गायों को ले जाती है, कोई वाहन और आरोपी पकड़े गए, ऐसा क्या हुआ? आज दिनांक 13/2/2024 को रात्रि में आयोजक संतोष पटेल द्वारा रिपोर्ट लिख करवाई गई कि बुलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP20GV5725 में 8 बछड़ों को ले जाया जा रहा है पूर्वक, जिस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई और बुलेरो वाहन से 8 लाख बछड़े जब्त किए गए। वाहन के सहित वाहन में बछड़ों को काफी क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस के भरा गया था, जिनको मुक्त करवाया गया और उनका परीक्षण करवा के गौशाला में उनको सुरक्षित रखवाया गया है। सर, कितने आरोपी थे इस मामले में? कुल 4 आरोपी थे, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है और 2 की तलाश है। सर, इससे पहले भी इन्होंने काम करते थे? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, मामला गोचरा में है। कहाँ से ला रहे थे सर? ये कड़ैया इंद्राना से लेके आए थे, बिछिया ले जाती है। आरोपी कुछ यही है कि बाहरी? आरोपी सभी लगभग लोकल के आसपास के हैं। और कुछ